ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोडी। आज हम बातचीत कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग को लेकर जो पेरिस में हो रही है। 6 दिन मीटिंग चलेगी और इसमें दुनिया भर के काफी देश हैं जो मिलकर ये फैसला करते हैं और बहुत से नेशंस हैं जिनको ये मॉनिटर भी करते हैं। हम देखते हैं कि देश विदेश में जो फाइनेंसिंग का एक सिलसिला चला हुआ है कि फंडिंग कहां से मिलती है बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। बहुत से नेशन स्टेट्स हैं जैसे कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, जिन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो पैसे का फ्लो है वो कैसे हो रहा है। मिस्टर सज्जनहार, ये जो मीटिंग है साल में एक बारी होती है, जो 39 देश हैं जो इसके सदस्य हैं वो सब मिलकर इन बातों के ऊपर जिरह करते हैं और इसके अंत में ये नतीजा निकलता है जो कौन से ऐसे देश हैं जो कि अपने यहाँ से पैसा जो जाता है, चाहे वो ड्रग मनी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, कौन से ऐसे देश इसमें काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो हालात हैं, अब ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे कहा जाता है ब्लैकलिस्ट में है और पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जून 2018 का जो ये मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए और अभी जो ये मीटिंग 16 तारीख को शुरू हुई है और इसका आखिरी सत्र इसी शुक्रवार को होने वाला है, इसमें ये निर्णय लिया जाएगा जो पाकिस्तान को क्या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में किया जाए या ग्रे लिस्ट से ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या फिर ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में किया जाए। तो इसमें 2-3 मुद्दे ये हैं जो पाकिस्तान बहुत समय से ये प्रयास कर रहा है जो उसको ग्रे लिस्ट से हटाकर व्हाइट लिस्ट में, क्योंकि ये हमको समझना होगा जो अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है तो उसको उससे क्या नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है जो उनके यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो भी निवेश हो रहा है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा रोक लग जाती है, क्योंकि दूसरे देश ये सोचते हैं, समझते हैं जो अगर हमारा पैसा उस देश में जा रहा है जहां पर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या आतंकवाद को सहारा देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिर वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश नहीं करेंगे और ये उस देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पाकिस्तान की हम देख रहे हैं आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान चारों तरफ घूम रहा है, चीन को कह रहा है, मलेशिया को कह रहा है, तुर्की को कह रहा है। अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी दावोस में, वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप से भी इमरान खान ने मुलाकात की और कहा जो मुझे आप किसी तरीके से वहां जो ग्रे लिस्ट है उसमें से आप व्हाइट लिस्ट में करिए, परंतु उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जो या तो उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट में ही उसको रखा जाएगा। एम्बेसडर सज्जनहार, भारत ने भी जैसे बार बार बहुत से ग्लोबल फोरम पर यह बात उठाई है कि पाकिस्तान अपना सपोर्ट देता है, जैसे कि लश्करे तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये जो सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भारत ने ये मुद्दा बार बार उठाया है कि भारत विक्टिम रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का और पाकिस्तान कहीं इसको अपनी एक स्टेट पॉलिसी बनाता है कि वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करे। हम ये भी देखते हैं एम्बेसडर सज्जनहार कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाफिज सईद, जो 2008 मुंबई जो अटैक हुआ उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उनको पाकिस्तान के कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई है। तो क्या हम मान सकते हैं कि ये एक पाकिस्तान ने अच्छा एक्शन लिया है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं सिमरन। एक तो ये है जो कहा गया है 11 साल के लिए कैद की सजा सुनाई गई है, असल में ये 5.5 साल है क्योंकि दो केसेस हैं और दोनों में 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। दूसरी बात है, इस कोर्ट के फैसले पर अपील की जा सकती है और ये अपील का क्या निर्णय होगा, वहां पर कोर्ट का क्या निर्णय होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। ये भी ध्यान में रखना होगा जो पिछले कुछ सालों में हाफिज सईद को 8 बारी कोर्ट से ये कहा गया है जो हिरासत में लिया जाए, परंतु फिर वो छूट जाता है, उसको थोड़े समय के लिए रखा जाता है। ऐसे 2019 में भी जब FATF की मीटिंग होने वाली थी उससे पहले भी हाफिज सईद को हिरासत में लिया गया था, कोर्ट ने ऐसा ही ऑर्डर दिया था, परंतु जब ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर से हट जाता है तो ये वाले सब जो फैसले हैं इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो भारत ने इस फैसले के ऊपर कहा है वी आर नॉट इम्प्रेस्ड, हमें कोई खुशी नहीं मिली है, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक तरीका है FATF और पूरी दुनिया के जो देश है
उनकी आंखों में धूल झोंकने का, उनको ये बताने का जो हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कदम उठा रहे हैं, पर असल में ये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने जो एक और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हैं, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के जो सरगना हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था पिछले साल 1 मई को। उसके बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं भारत के विरुद्ध, तो उसके साथ वो उसके विरुद्ध पाकिस्तान को कोई न कोई एक्शन लेना था, कोई न कोई कोर्ट में केस दायर करना था, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अभी 2 दिन पहले वो कह रहे हैं जो मसूद अजहर लापता है, का नॉन सीरियस तरीका है आतंकवाद से जूझने का, या इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कंसर्न्स हैं, जो आप सारे जो पैसे हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आतंक को आप, जैसे आपने स्वयं कहा सिमरन, जो एक अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है नेशनल पॉलिसी का, स्टेट पॉलिसी का, तो वो पूरी दुनिया को ये बताने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, बट इट इज नॉट वॉकिंग द टॉक। वो केवल जबानी बात करता है पाकिस्तान, परंतु उसके ऊपर अमल नहीं करता, कार्यान्वित नहीं करता है। एम्बेसडर सजुधर, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि अभी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट पर 2 ही देश हैं, एक है ईरान, दूसरा है नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर है, शायद ग्रे लिस्ट से वो निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ जाए, और कुछ लोगों का मानना है कि शायद, बहुत मुश्किल है कि शायद इनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। उसमें जो दिक्कत आती है वो शायद चीन का रोल है। हमने देखा कि जब बीजिंग में भी मीटिंग हुई तो चीन, मलेशिया, टर्की 3 देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। तो बात घूम फिर कर चीन पर आती है कि जो एक चीन का जो साथ हम देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देख लीजिए, या हम बहुत बारी जब यूएन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन का अपना एक वीटो है, तो वो हमेशा उसको यूज करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। तो ये जो एक चीन का जब बात आ जाती है कि जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत आवाज उठाता है, सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए जहां तक इनका आतंक का सपोर्ट है, पर जो चीन का रोल है, थोड़ा उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। 2 चीज में ये कहूंगा, पाकिस्तान चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और उसने ये निर्णय कर लिया है मेरे विचार से 1971 की लड़ाई के बाद, या 1965 भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, जो उसने पाकिस्तान का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है भारत को कंटेन करने के लिए, भारत जिससे कि उभर कर न आ पाए और चीन के विरुद्ध चीन को कोई कंपटीशन नहीं दे पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए चीन के साथ, तो इसीलिए पाकिस्तान को साथ देना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि 1989 से पाकिस्तान ने आतंकवाद का दामन पकड़ा है भारत के विरुद्ध काम करने के लिए, अफगानिस्तान में काम करने के लिए, परंतु चीन उसको सहारा देता आया, न्यूक्लियर एनर्जी दी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, न्यूक्लियर मटेरियल दिए और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि वो ये समझता है जो पाकिस्तान को जितना वो बढ़ावा देगा, सहारा देगा, उसको उतना ही फायदा होगा भारत के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। अभी तो हमने मसूद अजहर के केस में भी देखा है, जो हमको 10 साल लग गए 2009 से लेकर 2019 तक, जो हम मसूद अजहर को एक आतंकी घोषित कर पाए हैं। तो इसीलिए चीन का पाकिस्तान को जो सहारा है वो हमेशा रहेगा, परंतु इसमें हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है, चीन ने अभी एक वक्तव्य दिया है जो हम पाकिस्तान को सहारा देंगे, ब्लैकलिस्ट में नहीं जाने देंगे एफएटीएफ में, तुर्की ने और मलेशिया ने भी ऐसे ही कहा है, भारत ने कहा है, जो ये सारा जो प्रोसेस है एफएटीएफ का डेजिग्नेट करने का ब्लैकलिस्ट और व्हाइटलिस्ट में, इसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसको टेक्निकल कंसिडरेशन पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स के, ना कि राजनीति के हिसाब से, और एफएटीएफ ने भी कहा है जो इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो चीन हमेशा साथ देता रहेगा पाकिस्तान का, परंतु भारत भी के पास बहुत तर्क हैं, जो कि वो बता रहा है एफएटीएफ को कि पाकिस्तान को या तो ब्लैकलिस्ट में किया जाए या ग्रे लिस्ट में रखा जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग है पेरिस में वो जारी रहेगी, और इसका भी इंतजार रहेगा कि पाकिस्तान पर क्या जजमेंट होता है, आतंक का जो सिलसिला चल रहा है ग्लोबली, उस पर क्या स्टेटमेंट हमारे सामने आता है। शुक्रिया, धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोडी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।